नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2019 लोकसभा चुनाव के महापर्व का शंखनाद हो चुका है, तैयारियां जोरों पर है। 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होना है और अब पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 की गंभीरता को समझते हुए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक उनका घोषणा पत्र बंद कमरे में बनाया हुआ नहीं, बल्कि भारत के लोगों से जुड़ी सच्चाई पर आधारित पत्र है। राय कांग्रेस अध्यक्ष की कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को समझने वाले कई लोगों की राय कांग्रेस अध्यक्ष से बिल्कुल अलग है। जैसे अरुण जेटली, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और देश के वित्त को बखूबी संभाल भी रहे हैं। जेटली ने राहुल के इस घोषणा पत्र को खतरनाक बताया है। जेटली ने मैनिफेस्टो के पीछे के आइडिया को घातक करार दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं, और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देश की एकता के खिलाफ जाने वाले इस मैनिफेस्टो पर जेटली ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। सबसे पहले जो जेटली ने 35 पन्नों के मैनिफेस्टो में भारतीय कानून प्रक्रिया के रिव्यू की बात लिखी गई है, उस पर ही संदेह व्यक्त किया है। जेटली के मुताबिक जिस आतंकवाद को हम कुछ हद तक काबू करने में कामयाब हो पाए हैं, जिन मुद्दों को कांग्रेस की सरकार ने कभी भी नहीं छुआ, अब उसी आतंकवाद को, उसी देशद्रोह को कांग्रेस अपराध की श्रेणी में रखने से कतरा रही है। जेटली के मुताबिक ऐसा मैनिफेस्टो जारी करने वाली कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। जिस प्रावधान को कवि पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दूसरे प्रावधान, जिसमें सीआरपीसी को बदलने की बात की गई है, जिसके बाद जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना उसका अपवाद, मतलब अब आतंकवादी को भी जमानत मिलेगी, देशद्रोहियों को भी जमानत मिलेगी, छेड़छाड़ रेप के अपराधियों को भी जमानत मिलेगी, जिहादियों और नक्सलवादियों को भी जमानत मिलेगी, जिससे देश में कम हुई अपराध की घटनाएं दोगुनी तेजी से बढ़ेंगी। कुछ लोगों के भले के लिए कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो अपराधियों को शह देने का काम कर सकता है। ठीक है, छोटे मामलों में लोगों को जमानतें मिल जाती हैं, मैनिफेस्टो में लिखा है उसी पेज पे कि सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। तो कोई आतंकवादी, टेररिस्ट, बहुत बड़ा क्रिमिनल, यह तो न्यायपालिका का फंक्शन है, तो फिर जो महिलाओं से अपराध करेगा, तो किस लिए लिप सिंपति दिखला रहे थे आज मैनिफेस्टो किट में? जो बड़े बड़े
घटनाएं करते हैं, सीआरपीएफ के स्टेट पुलिस के लोगों को मारते हैं, ये प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। फिर बात आती है कांग्रेस की न्याय योजना की, जिसमें कांग्रेस ने गरीब तबके को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया है, जिस पर जेटली ने सवाल उठाए हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस व्यवस्था को लागू करने से अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा, और मैनिफेस्टो बनाने वाली कांग्रेस का कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उसी से साधन आएगा, जिसे एक साथ नहीं बल्कि कई फेजेस में लागू किया जाएगा, और सिर्फ केंद्र सरकार की योजना नहीं बल्कि इसका फायदा उठाने के लिए राज्यों से भी साधन आने होंगे, और योजना में मेरिट के बेसिस पर फायदे की बात कहकर जेटली के मुताबिक कांग्रेस ने अपने हाथ में एक हथियार रख लिया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन इसके मायने संतोषजनक नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बखिया ही उधेड़ दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठे सवालों पर कांग्रेस कैसी प्रतिक्रिया देती है। आप क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, इसलिए तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। इट्स इसेंशियली अ सैंक्शनिंग लॉ, कुछ और प्रावधान भी। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप यह होगा कि मान लो किसी ने टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली, तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। मैं इस विषय के साथ बहुत वर्षों से संबंधित रहा हूं, और जब कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी और उस वक्त जब चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे और वो उसकी वकालत करते थे कि इसको डाइल्यूट किया जाए, तो सारी सरकार कांग्रेस की भी उसका विरोध करती थी, और इसलिए विरोध करती थी कि कोई भी आतंकवादी या उसका समर्थक या परिवार वाला ये नहीं कहता कि पुलिस ने आकर आतंकवादी को पकड़ा या आतंकवादी को मारा। इसके लिए तो सेना के कोई अधिकारी पकड़ता है या आर्म्ड फोर्सेस का पकड़ता है, सीआरपीएफ का पकड़ता है, तो अपराध नहीं होगा। वो हमेशा कहता है हम गारे घर में तलाशी लेने आए, महिलाओं से बदसलूकी करती, हमारे घर में तलाशी लेने आए, हमारा सामान उठा के ले गए, टेररिस्ट को टॉर्चर कर दिया। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। और जिस प्रकार की व्यवस्था कुछ ऐसे इलाकों में है, घाटी में विशेष रूप से, वहां तो एक जज चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव का प्लैंक यह है कि मैंने फैसला दिया था कि 370 जो टेम्पररी प्रोविजन है वो परमानेंट है। ये परिस्थिति है। एक इसलिए भारत सरकार ने कांग्रेस के जमाने में भी और एनडीए के जमाने में भी एक प्रक्रिया बनाई थी कि जितनी कंप्लेंट्स आएंगी एक रोबस्ट मैकेनिज्म होगी, उसमें से सही अगर कोई है तो सजा देनी चाहिए फिर अधिकारी को, किसी ने सचमुच में बदसलूकी की है। और वो एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो यूपीए के समय बना था वो आज भी चल रहा है, और उसमें अभी तक 1,799 शिकायत आई हैं सेना या पैरामिलिट्री के अधिकारियों के खिलाफ, और उसमें से लगभग सभी कुछ प्रोसेस में है, 1741 इन्वेस्टिगेट होती हैं, उनको फाड़ा नहीं जाता, और 68 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, मौजूदा व्यवस्था चल रही है। अब आप टेररिस्ट को इनकरेज करने के लिए जो अधिकारी अपनी जान से खेलकर, और जो जवान और जो एक तरफ कहते हैं कि जवानों को मार्टर बना दो, मालूम नहीं कि वो क्या विषय होता है, और इन्होंने नहीं किया था, हमने सुविधाएं दी, अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। दोस पीपल हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, यू वॉन्ट देम टू बी प्रोसिक्यूटेड एट द बिहेस्ट ऑफ टेररिस्ट और देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। Ingratitude is the biggest sin that any political party can commit.
और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वह बच निकले। फिर कहते हैं